यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बाबरी विध्वंस की बरसी पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से राम मंदिर निर्माण की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या निर्माण आंदोलन में भागीदारी की है और 6 दिसंबर 1992 को मैं अयोध्या में मौजूद थे। खुद को शिव भक्त ब्राह्मण और कोल गोत्र का बताने के बाद मैं राहुल गांधी से उम्मीद ये करती हूँ कि मंदिर निर्माण के लिए पहल वो करें और आगे आए। अयोध्या के मामले में कांग्रेस का रोल शुरू से खराब रहा है। 1949 से जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब से विभाजनकारी रोल रहा, सामंजस्य बनाने का रोल नहीं रहा, वोट बैंक की राजनीति करने का रोल रहा। नहीं तो अयोध्या का समाधान तो जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तभी निकल गया था। वहाँ रामलला प्रकट हो गए ऐसा माना गया था, कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसको एक वोट बैंक का हिस्सा बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। 6 दिसंबर की घटना के बाद में भी हमारी सरकारें भंग कर दी, पूरे देश में दंगे भड़का दिए और उसका परिणाम निकला कि पूरा देश दंगों की आग में झुलस गया। कांग्रेस तो दंगा कराने वाली पार्टी है और कांग्रेस देश में राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे झगड़ा खड़ा करवाना चाहती है, समाधान नहीं होने देना चाहती। इसलिए अब राहुल गांधी से मुझे थोड़ी आशा जगी है, क्योंकि वो कौल दत्तात्रेय गोत्र उन्होंने अपना बताया है और उन्होंने कहा है कि वो जनेऊ पहनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। मैं उनका मजाक नहीं बनाऊंगी, उनको नीचा नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो कौल दत्तात्रेय हैं। और अगर वो कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं तो उनको ही अब ये पहल करनी होगी कि देश में राम मंदिर अध्यादेश के जरिए बने और वो सड़कों पे आएं और हिंदू और मुसलमानों से अपील करें कि शांति रखिए।